फर्रुखाबाद में अवैध वसूली के विरोध में आशा बहुओं ने सीएमओ कार्यालय का घेराव कर की नारेबाजी। अवैध वसूली से परेशान आशा बहुओं ने सीएमओ कार्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। ब्लॉक राजेपुर में तैनात वीसीपीएम विजय कुमार पर लगाया अवैध वसूली का आरोप। आशा बहुओं ने आरोप लगाया कि वीसीपीएम उन्हीं के खाते में पैसे भेजते जो आशा उन्हें देती। पैसे आशा बहुओं ने कहा कि आधार कार्ड अब नाम पर 200 रुपए की वसूली की जाती है। अवैध वसूली से परेशान आशा बहुओं का टूटा सब्र का बांध। सीएमओ कार्यालय पहुंच किया प्रदर्शन। फतेहगढ़ के सीएमओ कार्यालय का मामला। जतिया तो चिन्हित ही नहीं है, ये सब फर्जी है। आशा सब बीसीपीएम है, वो हर वाउचर पे पैसे लेते हैं। किस चीज का पैसा लेते हैं? काय का वाउचर है वो वाला? पैसे आए हैं एचपीडी वाले 2000, उस पे 1000 मांगते हैं, और आधार कार्ड फीड कराए उसके भी 200 रुपए लिए। कोई भी वाउचर जमा करो, उस हर वाउचर पे रिश्वत लेते हैं। रिश्वत लेते हैं? कितनी आशाएं हैं आपके उसमें? हमारे इसमें है 5-6 आशाएं। क्या ये पैसा सभी से लेते हैं? सभी से लेते हैं, सारी आशाओं से। सारी आशाओं से पैसे लेते हैं। इसकी सूचना आपने चिकित्सा अधिकारी से नहीं कही थी? कही थी। क्या कार्रवाई हुई वहाँ से? लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी आप कहाँ पर आई थी? हम इधर आए जिला न्यायालय अधिकारी। अधिकारी के यहाँ किनसे मुलाकात हुई है आपसे? हमारी मुलाकात हुई है एसडीएम साहब से। अच्छा, क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं बोला, बस कागज जमा कर लिया, पूछा कुछ नहीं। नहीं, आपने अपनी समस्या नहीं बताई थी? समस्या बताई क्या, पूछे ही नहीं हमसे। आपने समस्या पूछी? देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।